दोस्तों हम चल रहे हैं जो मुंबई दिल्ली वाला रोड है उसको जो जयपुर से जोड़ रहे हैं उस रोड पे चल रहे हैं। तो आज देखते हैं हम इसका कितना काम हो चुका है और कितना काम इसका भी बाकी है। तो मैं जो नेवर से आगे एक कट था उससे मैं इस हाईवे पे चढ़ा हूँ और देखते हैं इसमें कितना काम बचा हुआ है। जो अपने रिंग रोड से मिलेगा अपने जयपुर में तो उसका कितना काम बचा हुआ है तो वही आज हम देखने के लिए आए हैं। तो चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे तो रोड एकदम बढ़िया हो गई है और लगभग पूरा काम हो चुका है और यहाँ कुछ मोटरसाइकिलें और साधन भी चलने लगे हैं वैसे। तो आज हम इसी को देखने के लिए इस रोड पे आए हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा रोड बना है और इसमें कितना काम अभी बाकी है। मैं वहाँ उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा या मेरे को वापस रिटर्न आना पड़ेगा तो इसी को देखने के लिए हम चल रहे हैं। यहाँ मोटरसाइकिल दिख रही है बाकी कार वगैरह तो अभी दिख नहीं रही कुछ। हाँ मोटरसाइकिल जरूर आने लग गई यहाँ पे। और अभी भी लगता है इसका काम चालू है क्योंकि ये सामने आप देख रहे हो जो रोड बनाने वाले मशीन लोडर वगैरह है वो यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हो ये अभी मतलब काम चालू है छोटा मोटा। जो साइडों में ये जो डिवाइडर नहीं लगे हैं उनका काम लगता है कर रहे हैं अभी। ये लगता है कोई पुलिया है तो उसका काम पूरा हो गया या नहीं हुआ देखते हैं आगे निकल पाएंगे या यहीं से अपन को यूटर्न लेना पड़ेगा। ये तो पुलिया कंप्लीट हो गई दोस्तों। ये तो कंप्लीट हो गई आगे वाली पुलिया देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों अभी भी यहाँ कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है। इस साइड डिवाइडर लगा रहे हैं और रोड पे मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे तो अभी काम चालू है। पर ये है कहाँ तक पास होते हैं अपन वहाँ पे जो रिंग रोड है वहाँ पे निकल पाते हैं वहाँ से कितने पहले अपन को निकलना पड़ेगा या वापस घूम के आना पड़ेगा तो वही देखने के लिए आ जाए अपन यहाँ पे। इससे जो कट लग गए हैं उनको शायद वापस रिपेयर कर रहे हैं लोग। ये देखो आप कट लग गए जो बरसात की वजह से वापस अपन इस पे चढ़ पाते हैं इस पुलिया के आगे या अपन को नीचे नीचे चलना पड़ेगा देखते हैं। और वापस चढ़ गए हो उसी रोड पे पुलिया के आगे है उसी रोड पे वापस चल गए तो उसके आगे देखते हैं रोड सही है या कच्चा रोड है या उसमें जो डामर है वो डाल दी गई है। ये देखो कंप्लीट नहीं हुआ आप देख सकते हो और यहाँ भी इन्होंने एक रास्ता बना रखा है नीचे उतरने के लिए तो वापस चढ़ने के लिए है या नहीं है वही देखते हैं। ये आप देख सकते हो ये पुलिया का काम चल रहा है और ये फिर से कच्चा रास्ता नीचे उतार दिया इन्होंने और वापस चढ़ने के लिए है कुछ या नहीं है वही देखते हैं। और उसके आगे काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखेंगे आज पूरे रोड पर चलेंगे अपन कानूता तक रिंग रोड जो है वहाँ पर वापस जाने के लिए रास्ता फिर इन्होंने बना रखा है दस पुलिया के आगे। ये आप देख सकते हो पिकअप जा रही है यहाँ से वापस रास्ता आगे की तरफ चल रहा है उसी रोड पे।
है या नहीं है वही देखते हैं। दोस्तों आगे एक पुलिया और दिखाई दे रही है, उसका भी लगता है काम अभी चालू है, कंप्लीट नहीं हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे काम चालू है अभी पुलिया का, एक और पुलिया अभी जो कंप्लीट नहीं हुई है। एक तो ये जो काम चल रहा है और एक ये जो कंप्लीट हो गई है, तो अपन इस पिकअप के पीछे चलते हैं, कहां तक जाएगी, वापस चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। तो पिकअप तो वापस नहीं चढ़ी, और अपन रास्ता देखते हैं पुलिया के नीचे हो गए, इधर इधर वाली साइड तो है नहीं, दूसरी साइड देखते हैं। हाँ ये जो ओला वाला है स्कूटी वाला ये चढ़ रहा है, तो अपन वापस चढ़ते हैं, देखते हैं। से यहां से रोड कंप्लीट हो गया है। तो जहां जहां पे पुलिया का काम चालू है वहां पे इन्होंने गत बना रखा है और रास्ता बना रखा है इन्होंने, तो आप पुलिया के अलावा नीचे उतर के वापस उसी रोड पे चढ़ सकते हो। और बढ़िया रोड बना रखा है वैसे, है तो कच्चा पर ठीक ठाक है, आपको गाड़ी की परेशानी नहीं आएगी चढ़ने में उतरने में। तो देखते हैं कहाँ तक उतरता है अपन, नायला काणो का नायला रिंग रोड पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो अब अपन को यहाँ पे उतरना पड़ेगा, जो नायला कानोता है वो आ गया, तो आगे अभी रोड जो रिंग रोड है वहां से मिला नहीं है, अभी काम चालू है आप देख सकते हो, पर अपन को यहीं से उतरना पड़ेगा। और लगभग काम कंप्लीट है, खाली जो ये पुलिया है उनका काम थोड़ा सा बाकी है, वो पूरा होने के बाद में रोड कंप्लीट है क्या आप देख सकते हो। जो रोड है वहां पे उतरने के लिए आए थे अपन, और वहां पे क्या थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा पीछे की साइड से उतरते अपन। जो पुलिया ब्रिज बन रहे हैं उनका काम चालू है, बाकी और कंप्लीट है सब।